बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ मैं। अच्छा, मैं शाही पी रहा था। इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शाही आपने एक रियाल का हमको मिल जाता है जी एक कासा यहाँ से, लेकिन ये मैंने खुद से बनाई है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से वीडियो शुरू करने से पहले ही आपके साथ ये बात क्यों कर रहा हूँ भाई, मैंने एक तो इसमें अदरक डाला, दूसरा इसमें बिल्लेसान जो होता है, बिल्लेसान की एक छोटी सी लकड़ी बिल्कुल इतना सा पीस उसका भी डाला है, तो उससे जायका थोड़ा अच्छा हो जाता है और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी है। बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ के ऊपर। सऊदी अरेबिया सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो गर्दश कर रखी है, एक न्यूज़ गर्दश कर रखी है। इससे पहले मैंने बहुत सी ऐसी कार्रवाई देखी, हालांकि हाल ही में मैंने मक्का में अभी हज सीज़न के दौरान भाई मनों के हिसाब से दजाज यानी कि मुर्गी का नाकस गोश्त पकड़ा है वजारत तजारत ने। तो भाई ऐसे मामला तो सामने आते हैं, लेकिन ये वीडियो यहाँ पर अभी मैं शायद अभी आपको चलाकर वो दिखाना भी शुरू कर चुका हूँ कि ये भाई वीडियो लीक है सऊदी अरेबिया से ही, लेकिन ये मताम वाले लोग हैं। इस बंदे ने जो लिबास पहना हुआ है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो होटल के वेटर होते हैं उनका है। तो ये मताम वाला बंदा और एक पीछे से गधे के बच्चे को लेकर जा रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं, और एक सऊदी ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी कि ये बंदे शायद इसको मताम पर लेकर जा रहे हैं, इसको ज़िबा वगैरह करेंगे या जो भी सिस्टम है। अच्छा, मैं इसकी डिटेल में यार क्या जाऊँगा अभी, क्योंकि इसके मुतलक सबूत तो है नहीं है, वो सिर्फ इसको लेकर जा रहे थे। अभी किस मकसद के लिए लेकर जा रहे थे इसके मुतलक तो भाई मुझे भी इलम नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसे काम होते हैं। लेकिन ऐसा काम अगर कोई भी बंदा करता हुआ यानी कि कोई करता है तो वो जल्द ही पकड़ा जाता है, ये भी कन्फर्म बात है। तो उम्मीद है हमें भाई ये किसी उसको किसी और मकसद के लिए लेकर जाते होंगे, वरना उसको ज़िबा वगैरह कर खाने वगैरह के सिस्टम के लिए नहीं ले जाते होंगे।